आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयालक्ष्मी। आरएसएस और पुलिस के बीच भिड़ंत। आरएसएस और पुलिस के बीच भिड़ंत, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंदूवादियों ने पुलिस प्रशासन के विरोध में किया प्रदर्शन। कोतवाली में संघ भाजपा व बिहिप कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। कुंभ क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई, जहां संघ के एक पदाधिकारी का पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं चुंगी चौराहों पर युवकों ने पुलिस कर्मियों को दौरा दौरा कर पीटा। आरएसएस भाजपा और हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कोतवाली में जमावड़ा लग गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शनिवार को आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज कुमार कुंभ क्षेत्र में देवरहा घाट पर यमुना में स्नान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वह रेलिंग को पार कर यमुना स्नान कर रहे थे। वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने रेलिंग पार कर यमुना में जाने से मना किया। इसी बात को लेकर पुलिस कर्मी और संघ पदाधिकारी के बीच नोक झोंक हो गई। आरोप है कि यहां तैनात पुलिस कर्मियों ने संघ पदाधिकारी के साथ मारपीट कर दी। इसकी भनक लगते ही कुछ ही समय में संघ एवं भाजपा कार्यकर्ता कुंभ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पहुंचे। सीओ सदर और मेला प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ही पक्ष कोतवाली पहुंच गए। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष मंजू शर्मा, नगर अध्यक्ष, संघ के स्वयंसेवक, बिहिप कार्यकर्ता सहित हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों लोग कोतवाली में जमा हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया और आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसी गहमागहमी के बीच चुंगी चौराहों पर तैनात दो पुलिस कर्मियों को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दौरा दौरा कर पीटा। चुंगी चौराहों पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस कर्मियों से हुई मारपीट के बारे में जब जिला अध्यक्ष मधु शर्मा से संघ के पदाधिकारी मनोज जी के साथ पुलिस कर्मियों ने जो अभद्रता की है, उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने पुलिस से मारपीट करने के मामले में कहा कि पुलिस से मारपीट करने वाले संगठन के कार्यकर्ता नहीं है, वह कोई और लोग हो सकते हैं। बिहिप का पदाधिकारी बच्चू सिंह का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में आरएसएस के पदाधिकारी के साथ मारपीट और अभद्रता करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात की जा रही है। मथुरा से ब्यूरो चीफ नरेंद्र गौतम के साथ प्रदीप निवोरिया की रिपोर्ट। ये जो देवरहा बाबा घाट है, वहाँ पर स्नान करने के दौरान कुछ वाद विवाद पुलिस कर्मियों से हो गया था। इसमें जांच करते हुए जो पुलिस कर्मी दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मौके पर कोई ऐसी लालनगर की प्रॉब्लम नहीं है और जांच हमारी विस्तृत रूप से जारी है। अलग से सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर पुलिस कर्मियों की मारपीट हो रही है, आपस में मारपीट हो रही है, क्या नहीं, इसमें सीओ सदर साहब पूरी जाँच कर लेंगे। वीडियो वायरल हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या है, उसमें पूरे प्रकरण की जांच करके उसमें भी आवश्यकता अनुसार जो आवश्यक होगा नियमानुसार एज पर रूल या एज पर लॉ वो कार्रवाई की। बच्चू सिंह जी, आज एक कार्यकर्ता के साथ, आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ बताया गया कि मारपीट हुई है, क्या है ये पूरा मामला? कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, इस जिले के जिला प्रचारक हैं माननीय मनोज जी, वो कुछ अपने साथियों के साथ यमुना में जी में घाट पर नहा रहे थे और वहाँ आकर के कोई 3-4 पुलिस वालों ने, बताया जा रहा है कहीं बनारस साइड के हैं वो, उन्होंने आके नहीं यहाँ बदतमीजी की, बदतमीजी के अलावा फिर हाथा पानी किया उन्होंने, मोबाइल भी छुड़ा लिया उन्होंने, उन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है। उसी लिए सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पुलिस थाने पे अपनी FIR दर्ज कराने आए कि उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी से कुछ कार्यकर्ता थाने के गेट पर नहीं, धरने पे भी बैठेंगे और भी फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो। अभी काफी देर से वार्ता चल रही है अधिकारियों के साथ, क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों के जो वार्ता हो रही है वो सकारात्मक है, वो अधिकारी तैयार हैं कि हम उनकी चिन्हित कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं उनकी और सख्त कार्रवाई हम करेंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई है? नहीं, पुलिस वालों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं। अभी तक कोई तहरीर दी गई है? हाँ, अभी तहरीर लिखी जा रही है। Never miss an update.